ये तस्वीर है देव डोलिया त्रिवेणी घाट की, जहां बद्री विशाल भगवान की धर्म ध्वजा को श्री भारत नारायण मंदिर के दिव्य मंदिर में उत्तराखंड की देव डोलियों का भव्य संगम देखने को मिला। इस अवसर पर देव डोली, घंटाकर्ण देवता, माँ दक्षिणेश्वर काली, माँ नंदा देवी और माँ भगवती सूरकंडा देवी के चारों डोलियों ने त्रिवेणी घाट पर स्नान के बाद श्री भारत नारायण भगवान के मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाद में कुंभ हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भारत नारायण भगवान और सभी दिव्य डोलियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक अवसर है। इसके भरत भगवान के अपने भाई के दर्शन करते हुए और परिक्रमा करते हुए सभी डोलियों ने भरत भगवान का आशीर्वाद लिया और देव डोलियाँ हरिद्वार के लिए प्रेम नगर सतपाल महाराज जी के जो प्रेम आश्रम है वहाँ पर रात्रि निवास करेगी, भजन कीर्तन करेगी और प्रातःकाल 5 बजे गंगा हर की पौड़ी में स्नान करके विभवत पूजा करके ये सब जहाँ से डोली आई है वहाँ प्रस्थान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक इस अवसर पर शंकराचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रवि शास्त्री जी ने बताया कि भगवान बद्री विशाल की धर्म ध्वजा सबसे आगे इस बात का प्रतीक है कि कोरोना की महामारी से निजात मिलेगा और भारतवर्ष में जल्द ही सुख शांति दोबारा से कायम होगी। साथ इन भव्य डोलियों में सेम मुखेम नागराजा की प्रतिमा स्वरूप डोली भी आगे अपने आप में एक अलौकिक अनुभव की अनुभूति करवाता है। भक्तों के दर्शन के बाद सभी दिव्य अलौकिक डोलियां अपने भाई श्री भारत नारायण जी महाराज से मिलने के बाद कुंभ हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। अचानक मौसम बदलने से और तेज हवा और बारिश के आने से कार्यक्रम बहुत ही सीमित करना पड़ा और डोलियों को जल्द ही हरिद्वार रवाना करना पड़ा। ऋषिकेश से न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।